शनिवार रात मुंबई के बांद्रा ईस्ट में 3 शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी। इसमें वो घायल हो गए। उन्हें तुरंत पास के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। वहीं अब हत्या के 28 घंटे बाद लॉरेंस गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हत्या की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने लिखा, सलमान खान और दाऊद की मदद करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। इस पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप और अनमोल बिश्नोई ग्रुप का हैशटैग यूज किया गया है। लॉरेंस अभी गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। उसने 14 अप्रैल को सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग कराई थी। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अभिनेता सलमान खान की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई है, जहां बांद्रा में उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है। वहीं परिवार ने उनके मित्रों से अनुरोध किया है कि वह अभिनेता से ना मिलने जाए। रिपोर्ट्स के अनुसार सलमान खान अपने प्रिय मित्र बाबा सिद्दीकी को खोने के बाद बहुत दुखी है। कल देर रात लीलावती अस्पताल से घर लौटने के बाद अभिनेता सो नहीं पा रहे थे और लगातार बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान से परिवार का हालचाल पूछ रहे थे। फिलहाल आपका क्या कहना है इस खबर को लेकर, ये हमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल बोल बच्चन मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।